खासतौर पर अमेरिका में लोगों के लिए बर्फीला तूफान मुसीबत का सबब बना हुआ है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। तूफान और बर्फबारी, यूएस पर आफत भारी। बर्फीले तूफान से त्राहिमाम, 60 लोगों की गई जान। जम गए झरने, फंस गए लोग। अमेरिका पर बर्फीला अटैक। पूरा अमेरिका इन दिनों सफेद आफत से घिरा हुआ है। बर्फीली आफत से लोग इस कदर परेशान हैं कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो घरों से निकलते हैं वो बर्फीली आफत में फंस जाते हैं। अमेरिका से आए इस बर्फीले तूफान से पश्चिमी न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे देश में 60 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें न्यूयॉर्क के बफेलो की है। यहां कारों के अंदर से कई लोगों के शव बरामद हुए हैं। न्यूयॉर्क के ज्यादातर इलाकों में ड्राइविंग पर रोक हटा ली गई है, लेकिन बफेलो में अभी भी ड्राइविंग पर रोक लगी हुई है। अब अमेरिकी शहर टेनेसी की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बर्फबारी और तूफान के कारण नदियों का पानी जम गया है। टेनेसी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले झरने गायब हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फीले तूफान से लोगों की परेशानियां बढ़ाती ये तस्वीरें अमेरिका के ऑस्टिन एयरपोर्ट की हैं। क्रिसमस पर निकले हजारों यात्री अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। हर तरफ लोगों के बैगेज दिख रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स पर सामान चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बर्फीले तूफान में बेबस अमेरिका में तुरंत राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एरी काउंटी में आज भी 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिरने का अनुमान जताया है। आने वाले दिनों में अमेरिका में हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।